यह विश्व का एकमात्र कामधेनु माता का मंदिर है। ये समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्न निकला था। 14 रत्न में से कामधेनु जो कि मंदाराचल के पूरा आधा किलोमीटर दूर में मैया आकर के विराजमान है। सच्चे मन से आप माता के दरबार में जो कुछ भी मांगते हैं सारी मन्नतें पूरी होती है। उधर देख सकते हैं वो मंदार पर्वत है, बैद्यनाथ धाम है, बासुकीनाथ धाम है, उससे भी पहले का हमारा मंदिर है। ये जो पीपल का गाछी है हजारों वर्षों से भी पुराना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो स्वागत करते हैं फिर से एक नए वीडियो में गाइस। तो अभी हम उपस्थित हैं माता कामधेनु माता के मंदिर के दरबार में। तो चलिए चलते हैं अंदर और आपको दर्शन कराते हैं। आपको बता दें यह विश्व का एकमात्र कामधेनु माता का मंदिर है। आज तक आप इस माता का दर्शन शायद ही किए होंगे। तो हम आप लोगों के लिए आ चुके हैं माता कामधेनु मंदिर के दरबार में और आपको दर्शन कराएंगे और पूरा एक्सप्लोर करके बताएंगे, इस मंदिर के बारे में भी बताएंगे आपको। कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिएगा। अभी आप देख सकते हैं हम माता के जस्ट प्रवेश द्वार पे। आप ये देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके से बनाया गया। आप उधर देख सकते हैं वो मंदार पर्वत है और उसी के जस्ट बगल में जब आप मंदार पर्वत से पूर्व दिशा में लगभग 2 किलोमीटर आते हैं तो आपको यह कामधेनु माता का मंदिर मिल जाएगा। यह काफ़ी पवित्र और काफ़ी शक्तिशाली मंदिर में से एक है। यह विश्व का अनोखा कामधेनु माता का मंदिर है। शायद ही ऐसा कहीं मंदिर आज तक विश्व में नहीं मिला है। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कि हमारे बांका जिला के मंदार पर्वत, आप वो देख सकते हैं ऊपर मंदार पर्वत है उधर, और उसी से जब आप पूर्व दिशा में आते हैं लगभग 2 किलोमीटर तो आपको माता का यह मंदिर मिल जाएगा। आप मंदार पर्वत तो हर समय आए होंगे लेकिन शायद ही आपको इस मंदिर के बारे में आपको पता होगा। आप यहाँ की खूबसूरती देख सकते हैं किस तरह से बना हुआ है और पीछे भी काम चल रहा है और मंदिर बन रहा है। आप देख सकते हैं इस मंदिर में आपको कामधेनु माता का मंदिर और भोले बाबा का भी मंदिर, माता पार्वती का मंदिर का दर्शन करने को मिलेगा। आप सामने देख सकते हैं माता का मंदिर है। एक एक करके सभी देवी देवताओं का आपको दर्शन कराएंगे। कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिएगा। आप ये देख सकते हैं ये प्रवेश द्वार है, इधर से ही माता का मंदिर आता है। आप उधर देख सकते हैं उधर से जस्ट आप जब मंदार पर्वत से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर थोड़ा आगे बढ़ते हैं पूर्व दिशा में तो आपको ये कामधेनु माता का मंदिर मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं अंदर, पूरा एक्सप्लोर करके बताएंगे, कोशिश करेंगे यहाँ के इतिहास के बारे में जानकारी लेने का और आपको पूरा इस वीडियो में बताएंगे। तो कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिएगा। हालांकि मैं भी पहली बार इस मंदिर में दर्शन करने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ। तो कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिएगा, दर्शन भी कराएंगे और पूरा इतिहास भी इस मंदिर के बारे में बताएंगे। तो कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिएगा। जैसे आप यहाँ एंट्री करते हैं खूबसूरत सा पोस्टर आपको देखने को मिलेगा। आप ये देख सकते हैं बोलबम का नारा है बाबा एक सहारा। विश्व प्रसिद्ध मंदार कामधेनु मंदिर में पधारने के लिए आप सभी शिव भक्तों को के पवित्र सावन मास की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख सकते हैं यहाँ के पुजारी जी हैं संत प्रभु जी महाराज हैं और इनका नंबर भी दिया है, संपर्क भी कर सकते हैं। और इधर देख सकते हैं कामधेनु माता का प्रतिमा है और इधर भोले बाबा का और एक शिवलिंग का आप देख सकते हैं यहाँ। तो इधर देख सकते हैं इधर पूरा मंदिर है, एक एक करके सभी देवी देवताओं का आपको दर्शन कराएंगे। तो कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिएगा। जस्ट सामने में आप देख सकते हैं वो कामधेनु माता का मंदिर है। आप ये देख सकते हैं शायद ही आप ऐसा मंदिर विश्व में कहीं भी आप देखेंगे। यह विश्व का एकलौता मंदिर है कामधेनु माता का मंदिर। आप देख सकते हैं यहाँ की खूबसूरती किस तरह से बरकरार है। आप देख सकते हैं इधर और उधर देख सकते हैं आप, वो आपको दिख रहा होगा वो मंदार पर्वत है। मंदार से जस्ट जैसे ही आप पूर्व की ओर आते हैं लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर आपको ये कामधेनु माता का मंदिर मिल जाएगा। आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत मंदिर है। आप इधर देख सकते हैं इधर कामधेनु माता का मंदिर है, उसके बगल में बजरंगबली का मंदिर है और उसके सामने में ये आप देख सकते हैं वो भोले बाबा का मंदिर है, उसके सामने में माता पार्वती का मंदिर है। इधर का आप खूबसूरती देख सकते हैं किस तरह से बरकरार है। आप यहाँ की खूबसूरती देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी पवित्र स्थान है ये। सच्चे मन से माता के दरबार में आप जो कुछ भी मांगते हैं सारी मन्नतें पूरी होती है। आप इधर की खूबसूरती देख सकते हैं, उधर देख सकते हैं काफ़ी कुछ बनाया जा रहा है, इस स्थान पर धीरे धीरे बन भी रहा है। आप ये देख सकते हैं पीपल का गाछ कितना
कितना खूबसूरत लग रहा है। तो कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिएगा, हम सभी देवी देवताओं का आपको दर्शन कराएंगे। हालांकि मैं भी पहली बार से स्थान पर आया हूँ, तो आप लोगों के लिए दर्शन करा के ही जाएंगे। कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और ज़्यादा लोगों में इस पवित्र स्थल पर आइएगा दर्शन करने के लिए, और जहाँ तक कुछ हो सकेगा दान पुण्य करिएगा इस स्थान पर, ताकि धीरे धीरे इस स्थान का परिवर्तन हो सके। आप यहाँ से देख सकते हैं उधर मेन गेट है, कितना खूबसूरत लग रहा है, और इधर की खूबसूरती आप देख सकते हैं किस तरह से बरकरार है। इधर माता का प्रतिमा है और अन्य देवी देवता है का करके सभी का आपको दर्शन कराएंगे। तो कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिएगा। आप इधर देख सकते हैं कामधेनु माता का प्रतिमा आप देख सकते हैं, शायद ही आप कहीं भी ऐसा देखेंगे। आज तक विश्व का रिकॉर्ड रहा है कि ऐसा प्रतिमा कहीं भी देखा नहीं गया है। यह विश्व का पहला कामधेनु माता का मंदिर है। सच्चे मन से आप माता के दरबार में जो कुछ भी मांगते हैं सारी मन्नतें पूरी होती है, और इस स्थान पे जब भी आप आएँ तो जो भी आप कुछ मांगिएगा सारी मन्नतें माता पूर्ण करेगी। ये देख सकते हैं माता का कितना खूबसूरत सा प्रतिमा है। तो कॉमेंट में ज़रूर एक बार जय माता दी लिख दीजिएगा। इधर आप देख सकते हैं माता का प्रतिमा कितना खूबसूरत लग रहा है, और यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे यहाँ के मंदिर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और आपको बताएंगे। तो यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे बात करते हैं, हालांकि पुजारी जी का नंबर भी हम डिटेल में दे देंगे। अगर कुछ जानकारी या कुछ आपको पूजा अर्चना करवाना होगा तो संपर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ के पुजारी जी को हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें थोड़ा सा समय दिए और इस मंदिर के बारे में बताएँ। तो चलिए पुजारी जी से जानते हैं इस मंदिर के बारे में, बताइए बाबा। ये समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्न निकला था। 14 रत्न में से कामधेनु जो कि मंदाराचल के पूरा आधा किलोमीटर दूर में मैया आकर के विराजमान है, और मंदारम शिखरम दृष्टवा दृष्टवा मधुसूदनम कामधेनु मुखम दृष्टा पुनर्जन्माना विद्यते। मंदार शिखर का दर्शन, मधुसूदन का दर्शन और कामधेनु का दर्शन करने से पुनर्जन्माना विद्यते, मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्र में वर्णित वेद पुराण में आता है। और मैं चाहूँगा सभी देश भक्तों से, अपने सनातनियों से, अपने हिंदू भाइयों से कि जब आप मंदार क्षेत्र में आप प्रवेश करते हैं तो कामधेनु का निश्चित दर्शन करने आए, क्योंकि ब्रह्मा जी को ये कामधेनु दिया गया था समुद्र मंथन के दौरान में। तो ये कामधेनु जो हैं, यमयम चिंतते कामम तम तम प्रोपनिषितम, कामधेनु का मतलब होता है कि जो मन में इच्छा हो वो पूरा करे, इसी का नाम कामधेनु है। तो कहते हैं सूरदास ने लिखे हैं, सदगुरु मेरा कामधेनु ते छुरु कौन दुहावे। जैसे किसी के पास कामधेनु हो तो कोई बकरी दूना पसंद नहीं करता है, उसी तरह से जो कामधेनु माँ का आशीर्वाद अगर हम सबको मिलता है तो हम लोग धन्य भागी हो जाते हैं, जो कि हर मनोकामना को पूर्ण करने वाली कामधेनु मैया है। हम चाहेंगे कि ये कामधेनु के लिए ही वशिष्ठ जी और विश्वामित्र में युद्ध हुआ था, जो कि राजा जब थे विश्वामित्र जी, उस समय जब सेना जंगल में रुके और कहा कि मुझे भोजन की व्यवस्था करिए, तो वो सोचे कि ऋषि मुनि महात्मा हैं, ये कहाँ से भोजन कराएंगे क्या कराएंगे। 56 प्रकार के व्यंजन का ऑर्डर दिया कामधेनु मैया को, और वशिष्ठ जी महाराज ने उनको सभी सेनाओं को भोजन कराया। जब भोजन कराया तो पूछा कि आप इतना सुंदर स्वादिष्ट 56 प्रकार के व्यंजन तुरंत कैसे बना दिए, कि मेरे पास ये गाय जो कामधेनु थी कबरी कलर की थी। बोले कबरी माता मेरे पास है कामधेनु, उसी से हम आप सबका सेवा किए। बोले हम राजा हैं, आप ऋषि मुनि महात्मा हैं, ये कामधेनु हमको दे दीजिए। तो उसी में जब कामधेनु ले जाने लगे तो वहाँ पे कामधेनु मैया ने पूछा कि क्या हमको छोड़ दिया आपने। बोला नहीं, ये राजा हैं, ये आपको उनके बात हम उठा नहीं सकते हैं, इसलिए आपको ले जा रहे हैं। तो कामधेनु मैया ने कहा कि ऑर्डर दीजिए, हम सेना तैयार करते हैं। सेना तैयार करके फिर वो कामधेनु वहीं रह गया, और उसके बाद फिर तपस्या की विश्वामित्र जी, और तपस्या करके फिर अपने जीवन को विश्वामित्र कहलाए, ब्रह्म ऋषि तक कहलाए,
तपस्या के बल पे। तो हम सब मिल करके जीवन का आधार को समझें और अपने तपस्या कर करके कामधेनु का आशीर्वाद प्राप्त करके जीवन का कल्याण करें। आप इधर देख सकते हैं जो प्राचीन समय में हमारे मंदिर का धरोहर था, इन्होंने जो बैद्यनाथ धाम है, बासुकीनाथ धाम है, उससे भी पहले का हमारा मंदिर है। त्रेता युग में बैद्यनाथ धाम का बाबा आए हैं, और जब समुद्र मंथन हुआ था उस मनमंत्र युग में, चार युग के बाद एक मनमंत्र युग आता, उस युग में ये समुद्र मंथन हुआ था, उस समय से ये हमारे महादेव हैं और हमारी कामधेनु मैया हैं। और भी हमारे जैसे हनुमान जी की प्राचीन समय की मूर्ति है, आप पीपल हजारों साल पुराना पीपल का गाछ देख सकते हैं, और फिर काली माता दक्षिण कालेश्वर है। तो ये सब सारे आप आध्यात्मिक का यहाँ आ करके आनंद लें, और यहाँ पे बहुत अध्यात्म की ऊंचाई को जाने के लिए साधकों को साधना करने लोग दूर दूर से आते हैं। और सिद्ध स्थान ये है मंदार का, जो ऋषि मुनि महात्मा मंदार से सटा हुआ यहाँ पे पूजा करने महादेव का आते थे। यहाँ गुफा का ऐसा बताया गया है कि अंदर अंदर गुफा थे और यहाँ आकर के पूजा करते थे ऋषि मुनि महात्मा। तो आप लोगों को मैं प्रभु जी, संत प्रभु जी महाराज, कामधेनु मंदिर के व्यवस्थापक हैं हम, और मैं चाहूँगा सभी भक्तों से कि आप लोग एक बार जरूर कामधेनु दर्शन करने आएँ। और मैं कामधेनु मैया की तरफ से आप सभी दर्शकों को मैं खूब खूब शुभकामना करता हूँ कि आप सारे भक्त जो आप वीडियो देखेंगे, आपको मैया का आशीर्वाद मिले, भोलेनाथ का आशीर्वाद मिले, और आप आके एक बार इस स्थान पर अपना जीवन को धन्य बनाएं। क्योंकि ये तपोस्थली ऋषि मुनि महात्माओं का बना हुआ स्थान ये है, यहाँ पे आकर तो आपका साधना तपस्या फलित होता है। इसलिए करके मैं प्रभु जी कामधेनु मंदिर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के पुजारी जी को, जो इतना समय हमें दिए और इतना जानकारी हमें दिए हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को जानकारी बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जब आप मंदार आते हैं तो जस्ट मंदार के ही थोड़ा सा पूर्व दिशा में आप थोड़ा दूरी पर आपको कामधेनु माता का मंदिर मिल जाएगा, अवश्य दर्शन करने आए। यह बहुत ही ऐतिहासिक और भारत का एकमात्र मंदिर है जो कि यहाँ हमारे बांका जिला मंदार पर्वत के जस्ट बगल में है, कामधेनु माता का मंदिर। आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में माता के दरबार में आएँ और दर्शन करें। तो गाइस, आपको पूरा इतिहास इस स्थान के बारे में बता दिए, धीरे धीरे करके सभी देवी देवताओं का आपको दर्शन कराएंगे। जैसे ही कामधेनु माता मंदिर से आप आगे बढ़ते हैं, आपको बजरंगबली का एक खूबसूरत सा मंदिर मिलेगा। आप ये देख सकते हैं, ये बड़ी खूबसूरत सा मंदिर है। उसके जस्ट बगल में आप ये देख सकते हैं, ये भोले बाबा का मंदिर है। उसके सामने में माता पार्वती का मंदिर है। तो चलिए सबसे पहले आपको भोले बाबा और माता पार्वती का दर्शन कराते हैं, फिर आगे की ओर ले जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों, अपने परिवारों में। आप देख सकते हैं यहाँ भोले बाबा का बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है। आप देख सकते हैं अंदर शिवलिंग है। तो चलिए आपको सबसे पहले भोले बाबा का दर्शन कराते हैं, फिर आगे की ओर ले कर चलेंगे। भोले बाबा का दर्शन करा दिए, भोले बाबा का आप मंदिर देख सकते हैं उधर सामने में है, और उसी के जस्ट सामने में आप देख सकते हैं ये माता पार्वती का बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है। उधर कामधेनु माता का मंदिर है और इधर भोले बाबा का मंदिर है, उसी के सामने में माता पार्वती का मंदिर है। तो चलिए सब माता पार्वती का आपको दर्शन कराते हैं, फिर आगे की ओर ले चलेंगे और सभी देवी देवताओं का आपको दर्शन कराएंगे। तो कंटिन्यू हमारे साथ बनी रहिएगा। देख सकते हैं यहाँ माता पार्वती का प्रतिमा कितना खूबसूरत लग रहा है। माता पार्वती के बगल में ही गणेश भगवान का प्रतिमा है। सच्चे मन से इस स्थान पे जो कुछ भी मांगते हैं सारी मन्नतें पूरी होती है। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। इधर देख सकते हैं आप, एक कुआं मिल जाएगा जिससे कि आप जल लेके सभी स्थान में चढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आप ये देख सकते हैं, ये जो पीपल का गाछ है ये हजारों वर्षों से भी पुराना, देख सकते हैं किस तरह से पीपल गाछ की भी खूबसूरती किस तरह से बरकरार है। इधर देख सकते हैं माता काली का प्रतिमा है, तो आपको दर्शन कराते हैं। अब इधर देख सकते हैं माता काली का बहुत ही खूबसूरत सा प्रतिमा है, तो आपको दर्शन। यहाँ की खूबसूरती का बात की जाए ना गाइस, तो इतना खूबसूरत सा जगह ये, आप लोग से रिक्वेस्ट है जब भी आप मंदार आएँ, वो देख सकते हैं वो मंदार है, आपको दिखाते हैं।
अभी शाम का समय कितना खूबसूरत लगता है, मंदार, यह देखिए मंदार है, उसी से जस्ट थोड़ा दूर में आप ये देख सकते हैं कामधेनु माता का मंदिर है। अवश्य इस स्थान पे आएँ, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ तालाब भी है जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है। आपको आगे की ओर लेके चलते हैं और यहाँ की खूबसूरती दिखाते हैं। आप वो देख सकते हैं मंदार पर्वत कितना खूबसूरत लग रहा है गाइस। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस स्थान पर आएँ और माता का दर्शन करें। बता दे गाइस, यह विश्व का एकमात्र कामधेनु मंदिर है। यह बहुत ही शक्तिशाली मंदिर है। सच्चे मन से जो कुछ भी माता के दरबार में मांगते हैं सारी मन्नतें पूरी होती है। उधर देख सकते हैं कामधेनु माता का मंदिर है, उसी के बगल में एक तालाब है जो कि यहाँ की खूबसूरती को और भी बरकरार रखता है। यहाँ की खूबसूरती आप देख सकते हैं किस तरह से खूबसूरती बरकरार है। उधर देख सकते हैं वो मंदार पर्वत है, लगभग देखिए कितना दूरी है, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास आप आते हैं तो आपको यह कामधेनु माता का मंदिर मिल जाएगा। अवश्य जब भी आप कभी भी मंदार पर्वत आएँ तो कामधेनु मंदिर अवश्य दर्शन करने आएँ, क्योंकि यहाँ आप आते हैं जो कुछ भी मांगते हैं माता के दरबार में सभी मन्नतें पूरी होती है। आपको बता दें यह बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही शक्तिशाली मंदिर है। माता के दरबार में जो कुछ भी मांगते हैं सभी मन्नतें पूरी होती है। आप देख सकते हैं इधर यहाँ की खूबसूरती आप देख सकते हैं किस तरह से बरकरार है और आगे भी कुछ कुछ बनाया जा रहा है। जब आप यहाँ मकर संक्रांति में आते हैं तो यहाँ आपको भक्तों का भीड़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि सभी लोग मंदार तो आते हैं लेकिन कामधेनु माता के मंदिर के बारे में कम ही लोग जानते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों अपने परिवारों में, ताकि सभी लोग दर्शन करने के लिए इस पवित्र स्थान पर आएँ और अपनी मन्नतें को मांगें। सभी मन्नतें यहाँ पूरी होती है। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिलहाल के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। सभी को हमारे तरफ से जय श्री राम।